वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली हमारे बीच नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, जिनका दिल्ली एम्स में निधन हुआ। अरुण जेटली लंबे समय से एम्स में भर्ती थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद शनिवार को अरुण जेटली ने दम तोड़ दिया। अरुण जेटली को बेहतर वक्ता और कुशल नेतृत्वकर्ता नेता के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो 1952 में अरुण जेटली का जन्म हुआ था और प्रखर वक्ता रहे हैं। लंबे समय से बीमार थे अरुण जेटली। वित्त विभाग इन्होंने संभाला था, महत्वपूर्ण वित्त विभाग इन्होंने संभाला था, और पार्टी में इनकी साख इतनी थी कि चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्हें वित्त विभाग दिया गया था। आपको बता दें कि इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद इनकी कर्तव्य निष्ठा और इनके काम को देखते हुए इन्हें वित्त विभाग दिया गया था। तो लंबी बीमारी के बाद अरुण जेटली हमारे बीच नहीं है। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, एम्स में इन्हें भर्ती करवाया गया था, और तमाम राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। तो जेटली हमारे बीच नहीं है, राजनीतिक गलियारों में दुख की लहर है। लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रख्यात विधिवेत्ता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। जेटली जी छात्र जीवन से ही बाजी की सेवा करते रहे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यहां पर दुख जताया है और कहा है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली हमारे बीच नहीं है। लगातार दुख यहां पर सभी आला नेता यहां पर जता रहे हैं।